तो डे टू गाइस, हम आए हैं स्टारबक्स पे और मेरे को स्टारबक्स पे जनरली पसंद है, नॉर्मल मैं पीता हूँ यहाँ पे जावा चिप कोल्ड कॉफ़ी, यहाँ जावा चिप कॉफी फ्रैपेचिनो या फिर मोका कुकी रंबल, मोका कुकी रंबल। तो आज हमने कोल्ड कॉफ़ी ली है और हमें ट्राई कराए हैं गिरीश सर। गिरीश सर यहाँ के स्टारबक्स के वरिष्ठा हैं, हेड है यहाँ पे, यहाँ रायपुर के। तो सर कैसे हो आप? ऑल गुड, आप बताइए। नया स्टोर कब ओपन हो रहा? नया स्टोर नेक्स्ट मंथ। नया स्टोर ओपन हो रहा गाइस रायपुर पे, बताओ कितना? एक साल में दूसरा स्टोर ना? एक साल में दूसरा स्टोर, बताओ बहुत बड़ी बात है। रायपुर तरक्की में, मतलब आपके हिसाब से तो आपके हिसाब से रायपुर मतलब स्टारबक्स सही है रायपुर के लिए? हाँ, अभी तो एक स्टोर और आ रहा है, एक दो का और प्लानिंग भी चल रहा है। ओके, और मे बी बहुत जल्द हम मिलाई में खुल जाएंगे। क्या बात है, तो क्या बोलते हो कल मैच का? मैच देखते हैं, ऑलवेज भी इन इंडियन। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है और देखते हैं अब क्या माहौल रहता है स्टारबक्स में भी। यहाँ पे हो रहा है गाइस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, दिखा रहे हैं फैन पार्क पे, हम आए हैं यहाँ पे टिकरा पर रायपुर पे, तो अंदर आ गए हम यहाँ पे फैन पार्क पे। कहीं पहुंचना है 200-300 के, माफ करना 290-300 के करीब, तो इनका खेलना कोई नहीं। वो जो गैप है एक्स्ट्रा कवर पॉइंट और रथांगना के बीच, वो जैसी भीड़ से आप चार रन पाएंगे। क्या लगता है इसलिए ना हाई बैक लेफ्ट थी, ना फॉलो थ्रू था, मगर टाइमिंग थी। अच्छी बात बोली आपने, इतनी उछाल भरी बॉल थी नहीं वैसे, पर बल्ला सही वक्त पे नीचे आया। ये लो बाउंस की पिच है, स्किट करके सीधा कमर के पास आई, रिजवान ने देखा समझा और कंट्रोल में सिर्फ दिशा दे दी। वहां दो फील्डर हैं वैसे, पर गैप में गेंद, रिजवान का फॉर्म शानदार चला है। अगर बात करें कि इनकी जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक गेंदबाजी हुई है, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनको रन वही बनाए हैं, आगे खिलाया नहीं। तो उसके बाद फिर कवर से 24 मशीन देखिए, मैं कभी आया नहीं, पहले सामने ड्राइव लगाई राउंड में, पर कम खेलते हैं जो पोजीशन और सामने प्रयास करते हैं स्कोर करने का, पर फाइनल लेग पे लेग साइड पे काफी अच्छा खेले आज बाबर। कौन था नहीं इस मैच से पहले भाई साहब, ये जिसकी नहीं बोला आपने, गेंदबाजी का जेर जबर, क्रॉस सीमर, दोनों बॉल क्रॉस सीम पे आई है, जो विकेट बात ही मालूम था इनकी कमजोरी, आगे बॉल डाली क्रॉस सीमर थी, क्लीन बॉल। यार फैंस जानते हैं तिरंगा यहाँ पर लहराने के लिए छोड़ते नहीं, कमबैक करना जानते हैं। पहले बार में 3 छक्के आए थे पर वापसी करी, दो विकेट मार के यहाँ भारत को बिल्कुल वापसी कराई इस मैच में। तो हम आ गए हैं गाइस फाइनली फ्री, और ये है रायपुर का तेली बांधा तालाब जो कि बोलते हैं इसको मरीन ड्राइव, और हम यहाँ अभी फ्री आए हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड आई है उससे मिलने आए हैं हम यहाँ पे, और आज इस फ्री फूड लैब के भी आपको दर्शन कराते हैं। तो मिलिए गाइस हमारे फ्रेंड से हैप्पी दीवान जी, जो हमारे स्कूल में थी फेमस गर्ल, जलवे थे मैडम के। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हैप्पी हम? आफ्टर 1 मंथ। चल ना, ज़्यादा हो गया यार। 2 मंथ्स? जयपुर जाने से पहले मिले थे हम शायद। हाँ। है ना? हाँ हाँ। तो आज हम आए हैं यहाँ पे नेस कैफे बोलता हूँ, स्प्री में आए हैं हम, क्योंकि मैडम बुलाई हमको यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं मैच, कुछ मिनटों में ये हो जाएगा खत्म। वीडियो बाद में चेंज करेंगे कि यही रहेगा?
तो हम देख रहे हैं मैच बस कुछ मिनटों में ख़त्म होने वाला है और हम इतनी इंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी आइस टी सॉरी आइस टी भाई साहब के साथ ये हैं मुकुल भैया और हम मस्त जगह बैठे हैं यार सब ये लाइन से बैठे हुए हैं इधर लोग नीचे लाइन से बैठे हुए हैं कुछ रन बचे हैं बस जीतने को बट जल्दी ख़त्म हो गया थोड़ा सा और अच्छा रन होता तो ज़्यादा मज़ा आता कब कब थोड़ा सा अभी चाहिए जीत को 160 रन बन चुके हैं 192 टारगेट है एक रन पर ओवर चाहिए तो फाइनली इंडिया जीत चुकी है कौन पाकिस्तान ना हाँ लेकिन इंडिया जीत गई भाई जबरदस्त चौका मार के खत्म की अपनी सेंचुरी श्रेयस अय्यर बट सब देखते हैं हाँ फटाके फूटे आवाज है मुझे कहीं ना कहीं फूटे ना आवाज ही नहीं एक अच्छा माहौल था यहाँ पे सब लोग देख रहे अब सब जा रहे हैं देखो सब जा रहे हैं भाई बट भैया का कहना था कि मैच में एक्साइटमेंट कम थी ना मैच में थोड़ा एक्साइटमेंट होनी चाहिए क्योंकि इनका था ऐसा कि कोई बोला मैच आखिरी बॉल तक अटके रहे बॉल मटके रहे 5 रन चाहिए 4 रन चाहिए 2 में 1 चाहिए 3 में 2 चाहिए वैसा होना बट ठीक है जो भी हुआ जीती तो सही यार जस्ट मनाया जा रहा है